हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अक्षय एंड आई एम हियर विद अ ब्रांड न्यू शो बायोपिक इस शो पे मैं आपको बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग एंड ट्रेंडिंग टॉपिक्स को पिक करके उन्हें एक सिंपलीफाइड वे में एक्सप्लेन करूंगा जिसके लिए ना तो आपको कोई डॉक्टर या फिर कोई साइंटिस्ट होने की ज़रूरत है जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोविड 19 की वजह से पूरी दुनिया एक लॉकडाउन मोड में चल रही है एंड हम सब एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन को फेस कर रहे हैं एंड हम सब के मन में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा है इस वक्त कब आएगी कोविड नाइनटीन की वैक्सीन लेकिन उससे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि एक वैक्सीन में होती क्या है वो बनती कैसे है एंड उसे बनने में में कितना टाइम लग जाता है तो आज का हमारा पहला टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा व्हाट आर वैक्सीन जब भी हम लोग वैक्सीन टर्म सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक इमेज आ जाती है कि एक सिरिंज है और एक ड्रग है जो कि हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करा जा रहा है लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता नहीं है वो ड्रग नहीं वो एक्चुअली वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अगेंस्ट हमें इम्यूनिटी डेवलप करनी है अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या तो बैक्टीरियल हो सकता है पैरासिटिक हो सकता है या फिर वायरल हो सकता है जब भी कोई बेबी पैदा होता है तो उसे अपनी मदर के थ्रू कुछ नेचुरल एंटीबॉडीज मिलती हैं लेकिन जब भी कोई एक्सटर्नल एलिमेंट बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी अपने आप उस इंफेक्शन को काउंटर करती है और एंटीबॉडीज डेवलप करती है और इतनी कैपेबल बनती है कि उससे लड़ सके एज वेल एज़ एक इम्यूनिटी के तौर पर एक मेमोरी डेवलप कर सके लाइक फॉर एग्जाम्पल चिकन पॉक्स जब चिकन पॉक्स एक बार होता है तो शायद ही दोबारा हमें लाइफ में कभी हो क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम ने एक मेमोरी डेवलप की हुई है इन फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज अब जब भी हम लोग एक आर्टिफिशियली इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं तो हम लोग यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि बैक्टीरिया पैरासिटिक या वायरल है इसका होल ऑर्गेनिज्म या फिर इसका कोई बॉडी पार्ट या फिर इससे रिलीज कोई टॉक्सिक केमिकल को जब हम लोग आइसोलेट करके मतलब कि कलेक्ट करके इसे एंटीजन कह के बॉडी के अंदर रिलीज कर देते हैं और उसके अगेंस्ट जब एक एंटीबॉडी डेवलप होती है तो इसे हम लोग

उस टाइम पे स्मॉल पॉक्स वॉज एन एपिडेमिक एंड जेनर ने उनके अगेंस्ट एक ट्रीटमेंट डेवलप करने की कोशिश करी ही आइडेंटिफाइड कि जितने भी मिल्क मेड हैं दे वर सफरिंग फ्रॉम अ वायरस बट उनके अंदर एक नेचुरल इम्यूनिटी भी है अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स तो उन्होंने एक मिल्क मेड सारा के बॉडी से बेसिकली उनके ब्लिस्टर्स जिसके ऊपर पस थी उसे आइसोलेट करा और उसको अपने ही आठ साल के एक गार्डनर फिप के अंदर इंट्रोड्यूस किया इस वजह से लेटर ऑन ये देखा गया कि फिप के अंदर इंफेक्शन स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट डेवलप ही नहीं हुआ रादर देन उनके अंदर एक इम्यूनिटी आ चुकी थी आगे जाके ये भी आइडेंटिफाई किया गया कि जो भी इंफेक्शन था दैट इज स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स के बीच में उसमें यह चीज कॉमन थी कि दोनों के दोनों वायरल स्ट्रेन होने की वजह से एक तरीके का इंफेक्शन जरूर करते थे लेकिन स्मॉल पॉक्स के कंपैरिजन में काउपॉक्स का इन्फेक्शन बहुत ज्यादा माइल्डर था अब इस तरीके से एक्चुअली दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी जिससे हमें यह आइडेंटिफाई हुआ कि एक वैक्सीन कैसे आया और ये डिजीज स्मॉल पॉक्स कैसे उसके अगेंस्ट कैसे ट्रीटमेंट डेवलप हुआ एंड फाइनली नाइनटीन में डब्ल्यू के थ्रू यह डिक्लेयर कर दिया गया कि स्मॉल पॉक्स वॉज कंप्लीटली इराडिकेटेड फ्रॉम दिस प्लेनेट अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा वट आर द टाइप ऑफ वैक्सीन और अगर फ्यूचर में कोविड नाइन्टीन के लिए कोई वैक्सीन बना तो वो इन्हीं किसी एक टाइप में से एक होगा फर्स्टली हम देखेंगे वॉट इज लाइव अटैनिवेटेड वैक्सीन जैसे कि इसका नाम सजेस्ट करता है लाइफ मतलब जिंदा ऑर्गेनिज्म जो कि कमजोर कर दिया गया है वो बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है क्योंकि ये नेचुरल इन्फेक्शन से बहुत ज्यादा सिमिलर होता है इसीलिए ये एक लॉन्ग लास्टिंग इम्यून रिस्पॉन्स देता है सेकेंड टाइप ऑफ वैक्सीन हो जाएगी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन इस टाइप ऑफ वैक्सीन में हम लोग ऑर्गेनिज्म को किल करके बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं क्योंकि इसमें हम किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं तो ये इतना लॉन्ग लास्टिंग इम्यून इफेक्ट नहीं देता एज़ कंपेयर्ड टू द लाइव अटैनुएटेड वैक्सीन इसीलिए जनरली हमें इस टाइप के वैक्सीन को दो या तीन डोजेज में इन अ सर्टेन टाइम पीरियड में बॉडी में इंट्रोड्यूस करना पड़ता है फॉर एग्ज़ाम्पल पोलियो थर्ड टाइप की वैक्सीन हो जाती है सब यूनिट वैक्सीन जैसे इसका नाम है सब यूनिट मतलब ये कि ऑर्गेनिज्म का कोई भी एक पार्ट हम लोग लेते हैं फॉर एग्जांपल डीएनए हो गया प्रोटीन हो गया और हम उसे बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं क्योंकि ये हम एक स्पेसिफिक पार्ट उस ऑर्गेनिज्म का बॉडी में डाल रहे हैं तो ये एक हाईली स्पेसिफिक वैक्सीन होती है जो उसी टाइप के ऑर्गेनिज्म पर अटैक करती है और एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देती है फोर्थ टाइप का वैक्सीन हो जाएगा टॉक्सॉइड वैक्सीन इसमें हम लोग ना ही कोई ऑर्गेनिज्म ना ही उसका कोई पार्ट डाल रहे हैं बट उससे रिलीज़ किया हुआ एक हार्मफुल प्रोडक्ट को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं इस टाइप के वैक्सीन में जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो किसी ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट नहीं उसके रिलीज एक हार्मफुल प्रोडक्ट के अगेंस्ट होती है फॉर एग्जाम्पल डिप्टेरिया या फिर टेटनस लास्टली मैं आपको रिकॉमेंडेंट वैक्सीन्स के बारे में बताऊंगा बेथ इसराइल मेडिकल सेंटर में इस वक्त कोविड नाइन्टीन की अगेंस्ट एक रिकॉमेंडेंट वैक्सीन डेवलप किया जा रहा है इस टाइप के वैक्सीन में कोविड 19 का डीएनए लिया जाएगा और उसे एक कॉमन कोल्ड वायरस के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा जो कि एक बहुत ही कमजोर वायरस होगा इस वायरस को लेटर ऑन वैक्सीन के थ्रू ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज या फिर इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होगा अब हम डिस्कस करेंगे वॉट इज द लाइफ साइकिल ऑफ वैक्सीन डेवलपमेंट इस पूरे प्रोसेस में सिक्स स्टेजेस होते हैं अब हम लोग इसका पहला स्टेज डिस्कस करेंगे सो लेट्स बिगिन जो पहला स्टेज है इट इज़ नोन एज एक्सप्लोरेटरी स्टेज इस स्टेज में हमारा मेन एम होता है कि रिसर्चर्स इस पूरी डिजीज़ को स्टडी करें उस ऑर्गेनिज्म को पूरी तरह से एक्सप्लोर करें कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो किस तरह डिजीज़ कॉज करता है हम किस तरह उसके स्ट्रक्चर को यूटिलाइज कर सकते हैं आइर होल ऑर्गेनिज्म या फिर उसका कोई पार्ट जिसको बॉडी के अंडर इंजेक्ट किया जा सकता है एंड एंड तो, उसके थ्रू एक सक्सेसफुल इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट किया जा सके इसके बाद आता है हमारा सेकेंड स्टेज जो कि है प्री क्लिनिकल स्टेज इस स्टेज में ह्यूमन सेल्स या टिश्यूज जो कि एक कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में मेंटेन किए जाते हैं उन पे या फिर एनिमल्स पे इस वैक्सीन को टेस्ट किया जाता है और यह देखा जाता है कि कोई पॉजिटिव इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप हो रहा है या नहीं जब ये स्टेप ये स्टेज पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाता है इसके बाद हम जाते हैं स्टेज थ्री पे जो कि क्लिनिकल ट्रायल फेज होता है ये क्लिनिकल ट्रायल फेज जो होता है थ्री स्टेजेस में डिवाइडेड होता है क्लिनिकल ट्रायल फेज वन इस फेज में एक सैंपल साइज लिया जाता है जिसमें हंड्रेड या उससे कम लोग लिए जाते हैं और उनमें इस वैक, इस कैंडिडेट वैक्सीन को टेस्ट किया जाता है यहां पर हम ये चीज देखते हैं कि क्या ये वैक्सीन सेफ है ये इफेक्टिव है एक इम्यून रिस्पॉन्स ह्यूम में जनरेट कर रही है यानी यहां से सक्सेसफुल होने के बाद नेक्स्ट स्टेज जाता है जो कि है क्लिनिकल ट्रायल फेज टू इसमें सैंपल साइज को थोड़ा सा बढ़ा के बढ़ा दिया जाता है एंड कुछ हंड्रेड ऑफ ह्यूमंस को लिया जाता है इसको करने का मेन पर्पस यह होता है कि क्या यह वैक्सीन अच्छे तरीके से वर्क कर रही है इसका डोज कितना होना चाहिए एंड इसको कितने ड्यूरेशन में देना चाहिए कि हमारे पास एक सक्सेसफुल इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाए एंड लास्टली यह जाता है क्लिनिकल ट्रायल फेज थ्री में जिसमें थाउजेंड्स ऑफ ह्यूमंस को लिया जाता है और उसमें यह वैक्सीन फिर से टेस्ट की जाती है एंड इस बार हमारा मेन पर्पस यही होता है कि ये क्लियरली एक इम्यून रिस्पॉन्स दे रही है एज वेल एज आउट ऑफ दीज बिग सैंपल साइज कितने ऐसे ह्यूम है जिसमें ये वैक्सीन इफेक्टिवली वर्क कर रही है इसके बाद आता है स्टेज फोर जो कि होता है रेगुलेटरी रिव्यू इसमें जो भी साइंटिस्ट जिसने एक वैक्सीन डेवलप किया है उसे वो बायोलॉजिकल लाइसेंस एप्लीकेशन के थ्रू अपनी कंट्री के मेडिकल अथॉरिटी के अंडर उसे रजिस्टर करवाता है इसके बाद आता है स्टेज फाइव जो कि होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इसमें मेजर ड्रग प्रोड्यूसर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि अपने पर्सनल मशीनरी और अपनी टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करके मास प्रोडक्शन करते हैं एक वैक्सीन का जो कि आगे जाके मार्केट में इंट्रोड्यूस की जाती है एंड लास्टली आता है स्टेज सिक्स जो कि होता है क्वालिटी कंट्रोल इस स्टेज में एक बार वैक्सीन जब मार्केट में इंट्रोड्यूस कर दी जाती है तो कई सारी एजेंसीज कुछ दिन या कुछ महीनों का डेटा नहीं सालों का डेटा कलेक्ट करती है और ये नोटिस करती है कि जो ह्यूमन उन्हें यूज कर रहे हैं इट इज सक्सेसफुली वर्किंग ऑन देम ना उन्हें कोई रिएक्शन हो रहा है ना कोई प्रॉब्लम हो रही है रादर देन वो इफेक्टिवली वर्क कर रही है सो so, जब हम देखते हैं कि सारे स्टेजेस को एक वैक्सीन सक्सेसफुली क्लियर करती है तब हम इसे एक इफेक्टिव वैक्सीन कह सकते हैं अब तक करंटली यूके यूएस जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज कोविड नाइन्टीन के लिए एक सक्सेसफुल वैक्सीन डेवलप कर चुकी हैं एंड इट हैज़ बीन देयर एट द स्टेज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स एंड सो हम होप करते हैं कि जल्दी से जल्दी कोविड नाइन्टीन की ये सक्सेसफुल वैक्सीन मार्केट में इंट्रोड्यूस हो जाए एंड हम लोग इस डेंजरस सिचुएशन से जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट वैक्सीन एंड अब मैं जाने से पहले आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी देके जाना चाहता हूँ जस्ट गो टू योर पेरेंट्स एंड आज देम कि आपको आज तक कितने वैक्सीन्स लगे हैं इससे दो चीजें होंगी नंबर वन आपको वैक्सीन के बारे में जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज भी हो जाएगा एंड यू विल गेट टू नो कि आप कितने डिजीजेस से एक्चुअली इम्यूनाइज हैं और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी एंड इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज इसे लाइक करें शेयर करें एंड कोर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द आइकन सो दैट यू शुड नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम दृष्टिकोण